व्यूवर्स, मैं सलमान बुटीक की तरफ से आज फिर आपको एक शर्ट की नई वीडियो कटिंग की सिखाने जा रहा हूँ। और ये मैंने पूरा शर्ट का नाप लिखा है। मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊँगा कि शर्ट की लेंथ कितनी है, पूरा साइज़ क्या है, फिर उसके बाद कटिंग भी बताऊँगा। तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि हम आपको नई वीडियो कुछ दिखा सकें, सिखा सकें। तो व्यूअर्स, ये है शर्ट की लेंथ है 42, शोल्डर 14 आ रहे हैं, इसका चेस्ट है 22, वेस्ट है 20, हिप है 23 और दामन है 25, आस्तीन है मतलब स्लीव्स 11 है ये, ठीक है। और इसकी आगे से आस्तीन होगी 8। और ये पूरा मैंने साइज़ आपको बता दिया है। और इसके बाद मैं इसी साइज़ पे सिंपल शर्ट कुर्ती स्टाइल में काटने जा रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक। अभी बस ये एक शर्ट पीस है, इसके साइड पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक साइड पे बॉर्डर आ रहा है। अब मैं इसको ये कट किया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कैंची कंगू, ये मैंने कट कर दिया है यहाँ तक। अब इसको मैं आगे तक ये काटता हुआ जाऊँगा और ये पूरा एक बॉर्डर अलग हो जाएगा, फिर इसको दामन में हमें लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने शर्ट पीस लिया है, ये साइड से आपको बताया था बॉर्डर काट दूंगा, साइड पे था ये, ये कट करके मैंने साइड पे रख दिया है। और अब मैंने ये शर्ट का फ्रंट पीस बिछाया है ये, ठीक है। इसको, ये सिंगल पीस था, इसको हमें डबल करना है। और अब हमें लेंथ चेक करनी है और दामन चेक करना है, उसी हिसाब से फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमें दामन जैसे चाहिए 25 इंच, ठीक है। मैंने ये कपड़े को सेट कर रहा हूँ, ये मैंने फ्रंट का शर्ट पीस को सेंटर कर लिया, ठीक है, ये सेंटर कर लिया। अब इसके नीचे बॉर्डर आएगा, वो बॉर्डर ये रहा। तो मैं पहले इसको शर्ट को स्ट्रेट कटिंग कर लूँगा, ये दामन को स्ट्रेट करना है यहाँ से। और ये बॉर्डर अब नीचे इसके साथ दामन में रख के आपको बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ये ज्वाइंट होगा। तो मैंने ये बॉर्डर एक्स्ट्रा लेंथ में नीचे रख दिया है, ये देखिए, ये रख दिया। अब इसकी हम लेंथ की तरफ आएंगे, हमें लेंथ चाहिए 40। ये देखिए, मैंने यहाँ ये कपड़ा एक्स्ट्रा 1 इंच का है, इसका मैंने एक निशान यहाँ लगाया और लेंथ 40 है। तो 40 एंड हाफ, आधा इंच ऊपर से यहाँ से शोल्डर में दब जाएगा और नीचे बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा ही है। लेंथ के बाद हम आएंगे शोल्डर पे, जैसे कि आपको मैंने साइज़ में बताया था, ये मेरे सामने रखा हुआ है साइज़। शोल्डर मुझे ये 14 इंच है, तो मैं इसको आधा इंच बढ़ा के रखूँगा, 40, ये 7 और 7 14 होते हैं, तो हमें 15 चाहिए, यानी कि ये देखें 15 आ गया, ठीक है। इसका आधा 7.5 हुआ, 7.5 से मैंने एक निशान लगाया। फिर इतना ही नीचे जितना हमें ये अपना ये मूंडा जितना कटिंग करना है, ये हमें 7.5 पे एक निशान लगा देना, छोटा सा लगा दिया। फिर जितना मैंने ऊपर से शोल्डर रखा है, इतना ही मैं यहाँ से एक निशान लगाऊंगा, ये और ये जगह बराबर करेंगे। तो ये देखें 7.5 पे निशान लगाया हमने, ठीक है, 7.5। अब इसके बाद आते हैं हम साइड, हमें चाहिए 13, ये साइड का लिखा हुआ है साइड, साइड ये इसलिए है कि यहाँ से यहाँ 13 पे रखेंगे, फिर बाकी हमें चौक तैयार आ जाएंगे, ठीक है। 13 है तो आधा इंच यहाँ से दबेगा, तो मैं 13.5 पे निशान लगा दूँगा। और हमें यहाँ ऊपर से लेके शोल्डर से लेके कमर तक, यानी कि यहाँ हमने वेस्ट रखनी है, तो ये आ रही है 15 इंच, 15 इंच पे भी एक निशान लगाया और यहाँ से भी इसको 7.5 पे लगा दिया, 7.5 और 7.5 ये 15 हो गई, ये देखें 7.5, फिर यहाँ से भी ये 7.5 ही गिरा, यहाँ से भी सेंटर से देखेंगे तो ये 15 इंच आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं पहले स्ट्रेट निशान लगा लेता हूँ ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए। एक स्ट्रेट निशान ये चेस्ट का, ये वेस्ट आ गई, ये हिप आ गई, और ऐसे ही स्ट्रेट दामन का एक निशान लगा लिया मैंने, ये एक्स्ट्रा कपड़ा। अब मुझे फिटिंग नापनी है इसकी,
अब इसके ये देखें व्यूअर्स, चेस्ट है 22 इंच, 22, 22 का हाफ है 11 यानी के 11 इंच, ये देखें 11 आ रही है, 11 और 11 22 होते हैं, तो ये यहाँ पे 11 पे निशान लगा लिया। फिर वेस्ट पे आए, वेस्ट है 20, 20 का हाफ है 10 इंच, ये 10 इंच आ गया। अब हिप की तरफ आते हैं, हिप का निशान है, हिप की जो साइज़ है वो है 23, 23 का हाफ है 11 1/2, 11.5, 11.5 पे ये निशान लगाया। अब दामन की तरफ आते हैं, दामन है 25, 25 का आधा है 12 1/2, 12.5, ये मैंने एक निशान लगा दिया। अब ये मैं निशान लगाता हुआ स्ट्रेट पूरा इसको कवर करता हुआ एक ग्राफ बनाता हुआ जा रहा हूँ। ये भी स्ट्रेट एक निशान लगाते हैं, और ये फिटिंग का निशान है चेस्ट से लेके कमर तक, और फिर कमर से हिप तक, और फिर हिप से लेके दामन तक, ये मैंने स्ट्रेट निशान लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं, हमें गला चाहिए ऊपर से 7 इंच, 7 का आधा जो है वो 3.5 है, 3.5 पे निशान लगाया। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये इतना सा आधा इंच गिरता है जो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये जगह भी यहाँ से फ्रंट का हिस्सा है, तो फ्रंट हिस्सा यहाँ से यहाँ ये 1 इंच 1/2 इंच का यहाँ से यहाँ होता है ये। ठीक है, अब फिर मैं स्ट्रेट निशान एक और लगाता हूँ अंदर की तरफ, ये आ गया। अब ये मोंडे की जो कटिंग है गुलाई, वो एक निशान लगा रहा हूँ मैं, वो व्यूअर्स आप ये देखिएगा, ये देखिए कैसा गुलाई है ये। ठीक है, अब ये पूरी शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, दामन, पूरा हमें ये पूरा ग्राफ रेडी हो गया। अब इसी हिसाब से मैं कटिंग करता हुआ चला जाऊँगा, वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है जो अंदर फोल्ड होता है शर्ट में, चौक में, दामन में है, और साइडों पे कितना फोल्ड होगा, ऊपर से ये इस शोल्डर में आ रहा है, ये मुंडे में जो कटिंग होगा वो भी आपके सामने है। ये देखिए, ये कैंची में यहाँ तक ले आया। अब ये मैं फ्रंट काट रहा हूँ इसी निशान पे, गुलाई पे, ये देखिए इसी निशान पे काट दिए। अब ये जाहिर है यहाँ निशान है, ये तैयार है, तो ये एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच का कपड़ा अंदर होना चाहिए। अब ये हिप पे आ गए, तो हिप से 1 इंच का पूरे चौक फोड़ लूँगे, तो 1 इंच का कपड़ा मैंने रख दिया है ये। तो ये देखें, ये दामन तक मैं कटिंग कर ली मैंने, ये दामन का बॉर्डर है ये देखें, ये मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा साइड पे निकाल दिया, ये फ्रंट पीस पूरा निकल आया ये। तो अभी बस ये मैंने आपको शर्ट का फ्रंट दिखाया है, अब मैं स्लीव्स की तरफ आऊँगा कि स्लीव्स कैसे कटेंगे। ठीक है, अच्छा व्यूअर, ये देखिए, अब मैं इसी की स्लीव्स काटने जा रहा हूँ। ये बॉर्डर था जो शर्ट पीस से मैंने साइड से अलग करके यहाँ नीचे लगाना है। अब हमें 11 इंच की आस्तीन चाहिए, 11 इंच की आस्तीन है, तो मैंने ये देखें, ये एक्स्ट्रा कपड़ा 1 इंच का जो अंदर ही फोल्ड हो जाएगा, यहाँ निशान लगा देता हूँ मैं पहले। 11 इंच की आस्तीन चाहिए, तो ये देखें 11 है, तो 11 पे निशान लगा दिया, आधा इंच ऊपर से ये शोल्डर में चला जाएगा, मुंडे में चला जाएगा दबाव। ठीक है, अब हमें ये मुंडा चाहिए 10 इंच, ये देखें गुलाई की मैंने 10 इंच का यहाँ निशान लगाया, और यहाँ से यहाँ के लिए जो है ना, ये इसको स्ट्रेट करने के लिए यहाँ 4 इंच का एक निशान होता है, यहाँ लगाया, फिर यहाँ से यहाँ 4 लगाया। अब ये देखें स्ट्रेट एक निशान लगाया, तो ये लगा दिया। ठीक है, अब आस्तीन आगे से कितनी होगी, ये 11 इंच की आस्तीन है, कोनी तक है, मगर आगे से इनको लूज चाहिए, तो ये 8.5 पे निशान लगा दिया, 17। ठीक है, 8.5 पे ये निशान लगा दिया। अब ये इसको फिटिंग का निशान आ गया ये साइड से, ये देखिए, और ये मैं चौक से गुलाई करता हुआ जा रहा हूँ, ये जो मुंडे के अंदर कटिंग में आ जाएगा ये, और ये देखिए अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये व्यूअर्स ये काट दिया, और ये दबाव काट दिया, और यहाँ मैंने एक कट मार दिया, जो ये स्ट्रेट निशान है ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो करें, आगे शेयर करें ताकि हम आपको नई वीडियो दिखा सकें। शुक्रिया।